रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो हमारा जो डीएनए होता है ना, डीएनए, वो डीएनए में छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, क्या डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उस टुकड़े को बोलते हैं जीन। कोई कोई टुकड़े काम के नहीं होते, उनको जीन नहीं बोलते, जो टुकड़े काम के होते हैं डीएनए के अंदर उसको बोलते हैं जीन। अभी डीएनए ही रहता है जिसकी वजह से आप जो हो, आप छोटे हो तो आपके डीएनए की वजह से, आपको बाल नहीं आ रहे हैं, थोड़ी उम्र हो गई, 20-30 क्रॉस कर गए हो और बाल चले जा रहे हैं, तो वो आपके डीएनए की वजह से। तो डीएनए आपको टकला भी करवा सकता है, और डीएनए आपको जो भी हो आप, वो आपके डीएनए की वजह से हो। तो जो डीएनए होता है ना, उसके अंदर जीन होती है, वो जीन डिटरमाइन करती है भैया आप कैसे होगे। तो जीन क्या है, काम के टुकड़े, डीएनए के टुकड़े होते हैं जो काम के होते हैं, उनको बोलते हैं जीन। तो आपकी आंखें ब्लू है तो आपके जीन की वजह से, राइट। तो साइंटिस्ट लोग ने एक एंजाइम ढूंढा जो डीएनए के जीन को काट सकती है, ये डीएनए के टुकड़े कर सकती है, और उसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इमेजिन करो, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है और मेरा हाथ डीएनए है, ठीक है। तो ये हाथ जो मेरा है ना, मस वाला हाथ आपको दिखाई दे रहा है, ये जो हाथ है ना, इसके ऊपर ये एंजाइम चलती है, ये डीएनए है समझो, और ये एंजाइम है। तो ऐसे रोड पे मर्सिडीज चलती है, लैम्बोर्गिनी चलती है ना, सस्ती नहीं महंगी गाड़ी, तो वैसे ही हम कोई कोई डीएनए, जो डीएनए होते हैं ना, उसके ऊपर ये एंजाइम चलती है ऐसे ऐसे। तो ये एंजाइम को बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। और ये एंजाइम डीएनए के टुकड़े करती है। तो समझो एक कोई मर्सिडीज है, उसके बड़े बड़े दांत है उस, और वो डीएनए को कच से काटेगी और डीएनए के टुकड़े होंगे। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक ऐसी एंजाइम है जो डीएनए के ऊपर चलती है, जैसे रोड के ऊपर मर्सिडीज चलती है, वैसे ये एंजाइम चलती है और डीएनए के टुकड़े करती है, डीएनए के टुकड़े करती है। अब यहाँ पे दो टाइप की रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होती है, एक को बोलते हैं एक्सो न्यूक्लियस और एक को बोलते हैं एंडो न्यूक्लियस। एक्सो मतलब जैसे एक्स गर्लफ्रेंड होती है जो जिंदगी में नहीं रहती है, चले जाती है ना, दूर हो जाती है, तो वैसे डीएनए के जो दूर के टुकड़े होते हैं, मतलब साइड के टुकड़े, अगर डीएनए को साइड से काटती है तो उसको बोलते हैं एक्सोन न्यूक्लियस। मतलब डीएनए के जो आखिरी एंड होते हैं, डीएनए समझो एक है, उसका जो आखिरी का जो हिस्से होते हैं ना, अगर ये आखिरी के हिस्से काट रही है तो वो रेस्ट्रिक्शन एक्सोन न्यूक्लियस है। अगर वो डीएनए बीच में से काट रही, समझो ये डीएनए है और उसको बीच में से काटा, ये बीच में कहीं पास से काट रही है, तो वो रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस है। तो दो टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, एक एंजाइम डीएनए को साइड से काटती है जिसको बोलते हैं एक्सो न्यूक्लियस, और एक एंजाइम बीच में से काटती है, तो एंडो साइड वाली एक्सो न्यूक्लियस, बीच में काटी एंडो न्यूक्लियस। तो अभी समझो हमको कोई कोई आदमी आया, उसने बोला भाई मैं टकला हूँ, मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा भी टकला हो, तो हम उसका डीएनए जो है ना, जो टकला वाला जीन है ना, उस डीएनए में जो जीन है उसमें टकला वाला जीन आप निकाल के अच्छे बाल वाला जीन डाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से मस आप उन डीएनए का वो टकला वाला जीन काटेंगे और उसके बाद मस अपनी मर्जी का डीएनए बुठवा देंगे। कोई इंसान आए बोलता है भैया मैं बहुत छोटू हूँ, तो मेरा जो बच्चा है वो थोड़ा लंबा होना चाहिए, तो आप उन मर्जी का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कटवाएंगे और डाल सकते हैं। पर ये सब अभी पॉसिबल नहीं है, हम इंसान पर ट्रायल नहीं कर सकते, पर जानवरों पेड़ पौधों पर ट्रायल कर सकते हैं, ठीक है। अभी तो अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी निकल गई, क्रिस्पर निकल गई, तो एकदम स्पेसिफिकली काटती है, तो ये पुरानी हो चुकी है, पर पुराना आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, कि आपकी बुक में पुराना लिखा हुआ है। तो ये जो एंजाइम है ना, इससे अपन बैक्टीरिया का डीएनए काटते हैं और अपने अपना डीएनए घुसा देते। इंसान इंसान का डीएनए अभी नहीं कर रहे, अगर आप करोगे तो जेल में जाओगे, एक साइंटिस्ट गया है जेल में, तो इसलिए ये सब नहीं करते। तो अगर इंसान का करोगे मस्त जेल में जाओगे, अच्छी फाइन पड़ेगी। तो अपन इससे ना डीएनए काटते हैं पर बैक्टीरिया में डालते हैं, इंसान में नहीं डालते। अगर इंसान में इंसान का डीएनए डालेंगे तो अपन गलत कर रहे हैं, आप जेल में जाओगे। फिलहाल अपन ये सब सुविधाएं नहीं करते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक ऐसी एंजाइम है जो डीएनए को काटती है, राइट। तो सबसे पहले किसने ढूंढा, तो ये 1960s की बात है, 1960s। तो ये जो क्या बोलते, दो साइंटिस्ट थे, बहुत सारे साइंटिस्ट है, दो साइंटिस्ट थे, वो बैक्टीरिया को पढ़ रहे थे, और एक बैक्टीरिया का नाम था ई कोलाई। ई कोलाई मतलब ऐसा बैक्टीरिया, ये समझो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ना, ब्लू कलर का ये बैक्टीरिया है जिसका नाम है ई कोलाई। क्या नाम है, इशीरिशिया कोलाई। तो ई कोलाई एक बैक्टीरिया था, जो बैक्टीरिया ना आपकी टट्टी में मिलता है, बेसिकली आप जो बाथरूम करते हो ना, उस बाथरूम में ये बैक्टीरिया मिलता है, और ये बैक्टीरिया के अंदर डीएनए होता है, सबके पास डीएनए होता है, बैक्टीरिया के इंसान इंसान के अंदर डीएनए। तो इसका डीएनए आप ब्लैक ब्लैक में देख रहे हो ना, ये इसका डीएनए, और कुछ डीएनए का बाहर होता है, उसको बोलते हैं प्लाज्मिड। तो अभी देखो बैक्टीरिया क्या, इंसान की जैसे इंसान के पीछे एक वायरस पड़ा है जिसका नाम है कोरोना वायरस, और दुनिया भर के वायरस पड़े ना, तो इंसान को क्या बैक्टीरिया के पीछे भी वायरस पड़े, तो उन वायरस को बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज। तो ये आपको दिख रहा है, ये है बैक्टीरियोफेज।
बैक्टीरिया मतलब तो आप जानते हैं, और फेज मतलब खाना, तो ये बैक्टीरिया को खाता है इसलिए इसका नाम है बैक्टीरियोफेज। देखो हर एक वायरस का एक मकसद होता है कि बच्चे पैदा करना, इंसान का भी यही मकसद होता है, कमालो धमालो बच्चे पैदा कर लो मर जाओ, है ना। तो वायरस भी चाहता है भैया मेरे भी बच्चे हो, है ना, तो सब चाहते हैं उनके बच्चे हो, राइट। तो वायरस क्या करता है, वो है ना देखता है भैया बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए है ना वो तो मस्त बैठे हुए हैं, मस्त बैठे हुए हैं, मस्त आराम से पैलेस में बैठे हुए हैं, मस्त खाना पीना है, उसको जलन होती है। बोलता मेरे बच्चों को भी ऐसा खाना मिलना चाहिए, मेरे बच्चों को भी ऐसा घर मिलना चाहिए, बाहर बहुत खतरा है, बैक्टीरिया के अंदर ज़्यादा खतरा नहीं है। तो वो क्या करता है, वायरस अपना डीएनए खड्डा करता है बैक्टीरिया में और अपना डीएनए घुसा देता है। ये हरा हरा आपको दिख रहा है ये इसका डीएनए, फिर ये जो डीएनए है ना ये डीएनए जुड़ जाता है बैक्टीरिया के डीएनए से, जुड़ जाता है बैक्टीरिया के डीएनए से, और बैक्टीरिया का डीएनए काम करना बंद कर देता है, खाली वायरस का डीएनए काम करता है। और जब वायरस का डीएनए काम करता है तो बैक्टीरिया का डीएनए, और फिर ये वायरस का डीएनए बहुत सारे छोटे छोटे वायरस बनाता है, छोटे छोटे वायरस बनाता है ऐसे बहुत सारे संख्या में, हजारों लाखों वायरस बनाता है, और फिर ये लाखों वायरस निकलते हैं बैक्टीरिया को फोड़ के निकल के, और बैक्टीरिया का इंतकाल कर देते हैं, मतलब बैक्टीरिया मर जाता है। तो कितना शातिर है वायरस, ऐसा कोरोना वायरस हमारे साथ भी करता है, वो हमारे फेफड़ों के सेल में जाता है, फिर हमारे डीएनए के पास जाता है, उसका डीएनए आरएनए से डीएनए बना के, और उसके बाद वो डीएनए हमारे हमारे सेल को मार देता है ना। और बहुत सारे बच्चे निकलते, जो सेल हमारी सांस लेने में हेल्प करता था, फेफड़े का सेल हमारी सांस लेने में हेल्प करता था, उसने उसके बच्चे बने और उसने वो सेल को तबाह कर दिया, इसलिए कोरोना में वो सांस नहीं ले पाते क्यों, सेल ही खराब हो गए जो हमको सांस लेने के लिए हेल्प करते थे, राइट, कोरोना वायरस में। तो वैसे ये वायरस बैक्टीरिया को फोड़ देता है, उसके बच्चे निकलते हैं, बैक्टीरिया को फोड़ के निकलते हैं और बहुत सारे बच्चे बन जाते हैं। तो वायरस कितना शाना है बच्चे पैदा करने के लिए, ऐसा ऐसा करता है। तो बैक्टीरिया लोग के पास एक एंजाइम है जो उनके डीएनए के ऊपर चलती है, जिसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। मैंने आपको बताया था इंसानों के अंदर डीएनए के ऊपर ये एंजाइम नहीं होती, बैक्टीरिया के ऊपर ये एंजाइम होती रहती है। तो समझो ये है वायरस का डीएनए और ये मेरा हाथ है बैक्टीरिया का डीएनए, और ये है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो ये वायरस का डीएनए, ये मेरा डीएनए, हाथ मेरा डीएनए, ये वायरस का डीएनए जो पेन है, और ये है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए के ऊपर चलती रहती चलती रहती चलती रहती चलती रहती चलती रहती है। फिर उसने देखा अरे ये तो मेरा डीएनए नहीं है, ये तो किसी और का डीएनए है, तो वो डीएनए को कट से काटती है और फेंक देती है। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आएगी और ये जो डीएनए लग चुका है ना, हरा हरा आपको दिख रहा है वायरस का डीएनए, ये इसको काट देगी और इसके टुकड़े कर देगी, और इसका डीएनए जो जब टूट जाएगा उसके बाद दुनिया भर की एंजाइम आएगी और डीएनए को नाश कर देगी, मतलब खत्म कर देगी, है ना। और जब ये डीएनए खत्म हो जाएगा, जब ये डीएनए खत्म हो जाएगा तब एक लाइक ये वायरस अब बच्चे पैदा नहीं कर पाएगा, और वायरस जब बच्चा पैदा नहीं कर पाएगा तो बैक्टीरिया जिंदा रह जाएगा। बैक्टीरिया का बेचारा, बैक्टीरिया भगवान को प्यारा नहीं होगा, ईश्वर को प्यारा नहीं होगा, अल्लाह को प्यारा नहीं होगा, ये बैक्टीरिया जी जाएगा, बैक्टीरिया जी जाएगा और वायरस खत्म हो जाएगा। तो बैक्टीरिया के पास ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो उसे उसके वायरस के डीएनए को काटती है। अभी दिमाग में क्वेश्चन आता है बैक्टीरिया के डीएनए को क्यों नहीं काटती, कि बैक्टीरिया के पास एक और एक एंजाइम है जो बैक्टीरिया के डीएनए के ऊपर मिथाइल लगा देती है। मिथाइल एक कंपाउंड है, तो ऐसे इसके ऊपर मिथाइल लगा देती है जिससे इसकी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पहचान लेते भैया ये तो मेरा डीएनए है, इसको नहीं काटेगी, खाली वायरस का डीएनए काटेगी, और वायरस का डीएनए खत्म हो जाएगा तो वायरस का इंतकाल हो जाएगा, मतलब वायरस की मौत हो जाएगी। तो कौन सी एंजाइम लगाती है, तो मिथाइलेस होती है। देखो रोड के ऊपर खाली मर्सिडीज नहीं चलती, रोड के ऊपर एम्बुलेंस भी चलती है, तो ये मिथाइल वाली एम्बुलेंस वाली एंजाइम है जो उसे बचाती है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, राइट। हम लोग के ना बैक्टीरिया के हम बैक्टीरिया के अंदर से 900 से भी ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मिली है, और वो भी 230 स्ट्रेन से। इतनी सारी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हम लोगों ने अभी तक बैक्टीरिया से ढूंढ ली है, जैसे बैक्टीरिया अपना ईकोलाई जो टट्टी वाला बैक्टीरिया था उससे अपने कितनी सारी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ढूंढ, जैसे दुनिया भर के बैक्टीरिया से अपन दुनिया भर की रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ढूंढ चुकी है। पर ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैसे काटती है अभी अपने को ये पढ़ना है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस काटती है, मतलब तुम ऐसे सीक्वेंस काटती है जो आगे से भी पढ़ो पीछे से भी पढ़ो सेम है। देखो नितिन, नितिन देखो NITIN नितिन है ना, पीछे से भी पढ़ो
NITIN सेमी है। मलयालम पढ़ो MALAYALAM, पीछे से भी पढ़ोगे तो सेम ही स्पेलिंग होती है। तो रेसिशन एंजाइम ऐसे सीक्वेंस को काटती है जो आगे से भी सेम हो और पीछे से पढ़ने में भी सेम हो, तो वो ऐसे सीक्वेंस को डीएनए को काटती है। अभी डीएनए की भी भाषा होती है, तो डीएनए की भाषा खाली चार अल्फाबेट की होती है। तो चार अल्फाबेट क्या है, GATC, यही चार अल्फाबेट में डीएनए लिखा रहता है। ये आगे पीछे हो सकता है, ए आगे हो सकता है, TCG कुछ भी हो, डीएनए इसी भाषा में लिखा होता है। बस चार अल्फाबेट होते हैं, वो चार अल्फाबेट क्या है, शक्कर के आगे कुछ नाइट्रोजन बेस लगा होता है, उस नाइट्रोजन बेस के नाम है ग्वाइनिन, एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन। तो कभी भी डीएनए पढ़ना हो ना तो यही चार अल्फाबेट होंगे, समझो ये डीएनए है ना। जब आप डीएनए को जूम करके देखोगे ना तो डीएनए के अंदर ये चार नाइट्रोजन बेस हो सकते हैं, जी हो सकता है, सी हो सकता है, टी हो सकता है और ए हो सकता है। तो डीएनए के अंदर ये चार अल्फाबेट होते हैं, डीएनए की दो स्ट्रैंड होती है ना, तो डीएनए के अंदर दो चार अल्फाबेट में से ये चार अल्फाबेट है ना, इस चार अल्फाबेट से ही स्ट्रैंड में लिखा होगा, दो स्ट्रैंड दोनों स्ट्रैंड के अंदर यही अल्फाबेट होंगे। तो अपना भी समझो, ये डीएनए है, ये डीएनए ना, ये डीएनए का जो सीक्वेंस है ना, रेस्ट्रिक्शन, अपन एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है ECO-R1। ECO-R1 क्या ना, इसका नाम ऐसा क्यों दिया गया है, ई फॉर ईकोलाई। ईकोलाई एक बैक्टीरिया है जो आपकी टट्टी में मिलता है, ठीक है, तो उधर से ही अपने को मिला ये एंजाइम। तो ईकोलाई आपके फीकस या स्टूल या टट्टी बोलो आसान भाषा में, तो दो नंबर से मिलने वाला बैक्टीरिया है ना, ये ईकोलाई, ई फॉर ईकोलाई, ई फॉर इशिरेशिया, CO मतलब कोलाय। तो इशिरेशिया उसका जीनस का नाम है और कोलाय उसका स्पीशीज का नाम है। अब R मतलब क्या होता है, स्ट्रेन। अभी अपन इंसान के अंदर देखो काले गोरे होते हैं ना, इंसान ही है ना, तो वैसे बैक्टीरिया के अंदर स्ट्रेन होते हैं, तो उसका R मतलब ये R वाला स्ट्रेन है उसका। और I मतलब कब मिला, अभी बैक्टीरिया के अंदर दुनिया भर के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मिलते हैं, कोई पहला मिला, कोई दूसरा मिला, कोई तीसरा मिला, तो पहली बार मिला इसलिए इसका नाम 1 है। तो ये रोमन 1 है, रोमन में 1 ऐसा लिखते हैं, रोमन में 2 ऐसा लिखते हैं और 3 ऐसा लिखते हैं ना, देखा होगा तुमने, तो रोमन में 1 ऐसा लिखते हैं। तो ये बैक्टीरिया का नाम ऐसे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम हम लोग ऐसा देते हैं, पहले उस बैक्टीरिया का जीनस का नाम, फिर उसका स्पीशीज का नाम, और उसके बाद उसका स्ट्रेन का नाम, और उसके बाद उसका कब मिला ये एंजाइम, पहली बार मिला, दूसरी बार मिला, तीसरी बार मिला, तो पहली बार मिला इसलिए 1 है। तो ई फॉर इशिरिशिया, CO से मतलब कोलाय उसका जो स्पीशीज का नाम है, और R मतलब स्ट्रेन, और I मतलब कब मिला ये एंजाइम। तो हम लोग को ये एंजाइम मिला जिसका नाम है ECO-R1, जो हम लोग टट्टी वाले बैक्टीरिया से मिला, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो डीएनए को काटेगा। पर कौन सा सीक्वेंस काटेगा, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। अब डीएनए में भी भाषा होती है GATC, तो इसकी भाषा कौन सा डीएनए काटता है, जहां पे GAATC लिखा होगा, तो कैसे याद रखने का, घाट TC, घाट मतलब एक जगह होती जहां पहाड़ होते हैं, वहां पे टी से टट्टी मिली और सी से छी छी, टट्टी देखोगे छी छी बोलोगे ना, तो ये बैक्टीरिया तुम्हें याद आना चाहिए, ये बैक्टीरिया तो टट्टी में रहता है, बाथरूम में रहता है, इसलिए टी फॉर टट्टी, टी सी फॉर छी, तो तुम्हें याद हो जाएगा पूरा सिक्वेंस, घाट और TC, घाट पे बाथरूम मिला और तुमने छी बोला, तो तुम्हें ये पूरा सिक्वेंस याद हो जाएगा। और उल्टा जब आप 3 से लाइक आप 3 से 5 पढ़ोगे ना तो भी यही सेम ही होता है, देखो 3 और 5 यहाँ पे भी देखो घाट और फिर TC। तो ये एंजाइम जो है ना ECO-R1, ये डीएनए में ऐसी जगह काटेगा जहां पे घाट TC मिलाओ 5 से 3 और ये 3 से 5, तो समझो डीएनए के दो टुकड़े हैं, इधर भी घाट TC लिखा है, इधर भी घाट TC उल्टा लिखेंगे, अभी घाट टी और सी, TC राइट, दो बार टी आएगा और उसके बाद सी। तो ये जो एंजाइम है ना ECO-R1, ये जो घाट है ना, घाट जी जो जी है ना, जी इसका जी, जी फॉर गोनाइन, वहां से काटेगा और क्या बोलते हैं, इधर के जी पे पहुंचेगा, नीचे वाले के जी पे, तो देखो कुछ ऐसा बनेगा डीएनए, कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा डीएनए हो जाएगा राइट। तो इसको बोलते स्टिकी, क्या बोलते स्टिकी डीएनए, क्या बोलते स्टिकी डीएनए। तो ऐसा यहाँ पे देखो इतना सा सीक्वेंस है, तो इधर का बड़ा हो गया और इधर इतना कट गया, इतना कट गया, बस इतना सा बचा है, तो कुछ ऐसा बनेगा, इतना सीक्वेंस रह गया और फिर ये इतना
सीक्वेंस रह गया, बाकी इसने काट लिया, ये वाले जो हिस्से ना रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने काट लिया। और इसके साथ देखो ऐसा चिपचिपा, तो इसको बोलते हैं स्टिकी एंड। क्या बोलते हैं? स्टिकी एंड। तो ऐसे भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो एकदम छुरी की तरह एंड बनाते हैं, तो उनको बोलते हैं ब्लंट एंड। तो ये जो इको आर वन एंजाइम है ना रिस्ट्रिक्शन, 900 से भी ज्यादा है, अपन एक पढ़ रहे हैं जिसका नाम इको आर वन है। तो ये जो एंजाइम है ना इसका सिक्वेंस क्या है? घाट टी सी। तो ये डीएनए में जाएगा, ढूंढेगा घाट किधर लिखा है, जी ए टी टी सी कहाँ लिखा है, फिर वो उसको उधर काटेगा और कुछ ऐसा स्टिकी एंड बनाएगा, ऐसा स्टिकी एंड बनाएगा। पर कुछ ऐसे भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो सीधा सीधा काटते हैं, जैसे छुरी काटती है ना सीधा सीधा, तो उनको उनको बोलते हैं ब्लंट एंड। क्या बोलते हैं? ब्लंट एंड। तो अपन अभी इको आर वन पढ़ लिए, घाट टी सी जो स्टिकी एंड बनाता है, स्टिकी एंड को स्टैगर्ड एंड बनाते हैं। फिर ये स्टैगर्ड एंड अपन दूसरे, ये अपन ने काट के डीएनए निकाला और फिर दूसरे डीएनए को भी अपन ऐसे ही काटेंगे और दोनों चिपचिपे एंड को चिपका देंगे, अपन दोनों चिपचिपे एंड को अपन चिपका देंगे और फिर उससे अपन एक नया इंसान बना सकते हैं, नया पेड़ पौधा बना सकते हैं जो कुछ अलग फीचर दिखाएगा जो उसके पास होता नहीं है। मतलब रात में पेड़ चमकने लग गया, जो पेड़ चमकता नहीं है, इंसान एकदम अजीब हो गया, अपन कर सकते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से। तभी और रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के कुछ एग्जांपल, अभी दो और एंजाइम पढ़ेंगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, एक का नाम है हिन टू। सबसे पहले जो एंजाइम मिली ना रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सीक्वेंस के साथ कैसे काटने का है, तो वो मिली थी हिन टू। ठीक है, हिन मतलब हीमोफिलस, आई एन मतलब इन्फ्लुएंजा, एच डी क्या है अपना, क्या बोलते स्टेन है, और टू मतलब ऑल ओवर डिस्क। दूसरी बार ये एंजाइम मिला, पहली बार में नहीं मिला था। तो हिन हीमोफिलस इसका जीनस है, आई एन इसका स्पीशीज है, डी इसका स्ट्रेन है और टू इसका ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी है। अब ये जो सीक्वेंस है ना ये कैसे काटती है, ये ब्लंट एंड है, मतलब छुरी की तरह एक टुकड़ा और एक टुकड़ा चिपके, वो वाला क्या था, स्टिकी एंड था, ऐसा कुछ काटती थी। पर ये जो एंजाइम है ब्लंट एंड काटती है, स्टिकी एंड को स्टैगर्ड भी बोलते हैं। ये जो ब्लंट एंड है ना ये ऐसा काटेगी बीच में से थे। तभी इसका सीक्वेंस क्या है, इसका सीक्वेंस है जी टी सी जी ए सी। अभी कैसे याद रखने का, जी जी अपन बोलते हैं ना, कोई अपन रिस्पेक्ट देते किसी को जी। अभी अपने को ठीक है टेम्परेरी पंखा, तो टेम्परेरी कूलर चाहिए अपने को, जी टेम्परेरी कूलर। फिर अपन बोल सकते हैं जी टेम्परेरी एसी, तो जी जी रिस्पेक्ट दिए, फिर अपन मांगे टेम्परेरी कूलर दे दो, नहीं है तो जी एसी ही दे दो, है ना, तो जी एसी। तो ऐसे आप याद रख सकते हो। तो सीक्वेंस कैसे याद रखेंगे, जी टेम्परेरी कूलर, टी और सी, टी फॉर टेम्परेरी कूलर, सी फॉर कूलर, फिर जी, फिर ए फॉर एयर कंडीशनर, सी फॉर ए फॉर एयर है और सी फॉर कंडीशनर, राइट। तो ऐसे याद रख सकते हो। उल्टा करोगे तो यही इसका सी पहले आएगा, क्या बोलते सी और फिर ए फिर जी फिर सी फिर टी और फिर जी, है ना, एकदम सिंपल है। खाली डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं ना, एक सीधा चलता है एक उल्टा चलता है। तो सीधा चलने वाले को जी टी सी और जी ए सी हो गया, उल्टा पढ़ने वाले को उल्टा कर दो पूरा का पूरा, तो एकदम ऐसा हो जाएगा। और फिर ये बीच में से काटता, तो ये जो एंजाइम है ना, सब जो ये डीएनए है, दो डीएनए के स्टैंड है, फिर इसने देखा जी टी और सी, उसके बाद देखा जी और ए सी है, तो उसने बीच में से काट दिया, ये एंजाइम ने बीच में से काट दिया। एक और एक एंजाइम मिला जिसका नाम है बाम एच वन। तो ये एकदम ईजी था ऊपर वाला याद करने का, जी टी सी दे दो, जी ए सी दे दो, टी फॉर टेम्परेरी कूलर। अब बाम एच वन कैसे याद रखने का, बाम का बी फॉर बेसिलस है, ए बेसिलस जीनस है, ए एम क्या है अमाइलो लिक्विफेंस है, इसका स्ट्रे इसका स्पीशीज का नाम है, एच इसका स्ट्रेन है और आई फॉर ऑर्डर डिस्कवर। स्ट्रेन क्या है, स्ट्रेन मतलब वो होता है क्या बोलते हैं अपन में काले गोरे होते हैं ना, जैसे बैक्टीरिया में सेम स्पीशीज हो के भी अलग अलग स्ट्रेन होते हैं, तो स्ट्रेन एच है इसका। और आई कब मिला था, पहली बार में मिल गया, इसलिए ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी वन है, ये टू है ये वन है। अभी इसका कैसे याद रखने का, इसका भी इजी है, इसका देखो जी जी एट सी सी। अभी समझो किसी आपकी मम्मी अब्बा का फोन आ गया, तो किधर है, तो बोलेगा ना जी जी मैं अभी एट मतलब इधर हूँ, एट मतलब इधर, सी सी से कोई जगह का नाम याद रख लो, कोई सिटी का याद रख लो जिसका नाम, जैसे कोई सिटी है जिसका नाम सी सी से, तो बोलो जी जी मैं एट सी सी, हाँ जी जी रिस्पेक्ट से आप याद करोगे जी जी एट सी सी। तो अभी ये जी जी एट सी सी ये स्टिकी एंड है, मतलब सीधा नहीं काटता, तो ये जी पे ऐसा काटता है, ऐसा काटेगा, देखो ये एंजाइम ऐसा काटेगा, तो कुछ दो टुकड़े बनेंगे, एक इधर बड़ा वाला टुकड़ा रहेगा और इस साइड बड़ा वाला टुकड़ा रहेगा, बीच में स्पेस रहेगी, तो स्टिकी एंड बनाता है ये जो एंजाइम बाम एच वन। देखो अभी तुम लेट आओगे तो बाम लगाना पड़ेगा ना,
बहुत जोर से पड़ेगी, तो ऐसे याद रखो, तो इसलिए मम्मी पापा को बता दी, जी जी हम एट पर हैं, सीसी पे हैं, हम अभी आ रहे हैं, अगर लेट आओगे तो बाम लगाना पड़ेगा, तो ऐसे याद रखो, जी जी एट सीसी, और ये स्टिकी एंड बनाता है, और फिर डीएनए चिपक जाएंगे, एक एंजाइम लगाओगे दोनों डीएनए चिपक जाएंगे। अभी कोई इंसान है जिसके खून में इंसुलिन कम बन रहा है, इंसुलिन एक केमिकल है जो आपका डीएनए बनवाता है, आपका पैंक्रियाज है ना उसमें डीएनए काम करता है, जीन, एक जीन काम करते हैं और केमिकल बनाते हैं, और वो केमिकल नहीं बन रहा बेचारे इंसान में। तो हम लोग पहले क्या करते थे, कुत्ते को मारते थे, उसमें से उसका पैंक्रियाज निकाल लेते थे, इंसुलिन ले लेते थे, हम कोई गाय बकरी बेचारी मिली उसको कत्ल कर देते थे, फिर उसका इंसुलिन निकाल लेते थे, है ना, हम लोग कितनी बेरहमी से लोगों को मारते थे। पर अब हमारे पास है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, हम क्या करते हैं, इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये समझो दम नालायक एंजाइम है, ये डीएनए काटने वाली है, इससे अपन अपनी मर्जी का डीएनए का जीन कटवाएंगे। तो ये डीएनए था, अपन ने इसका जीन कटवा लिया, ये वाला जीन, अब ये जीन है ना अपन ले लेंगे, फिर एक और एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लेंगे जिसमें बैक्टीरिया का एक डीएनए होता है ना, बैक्टीरिया के दो टाइप के डीएनए होते हैं, एक अंदर की तरफ होता है और एक बाहर की तरफ होता है, वो बाहर वाले डीएनए को क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड, क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड, इसको भी अपन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कटवाएंगे, और जब इसको कटाएंगे तो इसके टुकड़े हो जाएंगे, राइट, कुछ ऐसा टुकड़ा हो जाएगा। अब इस टुकड़े में अपन, ये जो टुकड़ा है ना, इसमें अपन इंसान वाली जीन डाल देंगे, इंसान वाली जीन डाल देंगे, फिर ये प्लाज्मिड फिर से इकोलाई में डाल देंगे, पहले आपने ये प्लाज्मिड निकाला, फिर इसमें अपनी मर्जी टुकड़ा कराया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने काटा इसको, फिर आपने अपनी मर्जी का प्लाज्मिड डाल, अपनी मर्जी का जीन डाल दिया, डीएनए डाल दिया, कैसे डाला, वो भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा था, उसके बाद आपने किससे चिपकाया, अपन एक और एक एंजाइम आएगी बेचारी भोली भाली एंजाइम जिसका नाम है लाइगेस, ये आएगी और इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को डीएनए को चिपकाएगी प्लाज्मिड से, ये बाहर वाला डीएनए अपने प्लाज्मिड वाले डीएनए से चिपकाएगी, और उसके बाद अपन फिर से इसको बैक्टीरिया में डाल देंगे, कौन से बैक्टीरिया में, ई कोलाई। अभी ई कोलाई में क्यों डालना, ये जो टट्टी वाला बैक्टीरिया है जो आपकी टट्टी में मिलता है, ये जो बैक्टीरिया है ना इसकी जिंदगी खाली 15 मिनट की है, 15 मिनट में जिंदगी खत्म, मतलब 15 मिनट में बच्चे भी हो जाएंगे, बुढ़ा भी हो जाएगा, मर भी जाएगा, तो 15 मिनट में दो बच्चे हो गए, फिर बच्चों के बच्चे 15 मिनट में हो जाएंगे, मतलब आधे घंटे में बच्चे के बच्चे हो गए, फिर एक दिन में तो बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चों पता नहीं कितने हो जाएंगे, है ना, और फिर जब इतने सारे बैक्टीरिया हो जाएंगे तो उनके अंदर अपनी मर्जी का जीन भी होगा, और वो अपनी मर्जी का जीन होगा तो इंसुलिन भी बना देंगे, और जब इंसुलिन बना देंगे तो आपने देखा बहुत सारे बैक्टीरिया बन गए, एक हथौड़ा लेंगे और फिर इनको इतनी बुरी तरह से कूटेंगे अपन कांच के अंदर, फिर ये लोग वो एंजाइम निकाल देंगे, और फिर वो एंजाइम अपन इंसान में डाल देंगे, फिर इंसान को हार्मोन है, इंसुलिन एक हार्मोन है तो वो एंजाइम नहीं है, तो इसने एक हार्मोन बनाया इंसुलिन, और फिर वो इंसान का अंदर अपन इंसुलिन डाल देंगे, पहले अपन कुत्ते को मारते थे, बिल्ली को मारते थे, काऊ को मारते थे, है ना, इंसुलिन के लिए, और वो इंसान के अंदर डालते भी थे, इंसान के अंदर असर भी नहीं करता था, पर जब जब से अपन ने इकोलाई के अंदर डालना चालू कर दिया है तब से अपन सेम टू सेम इंसान जैसा इंसुलिन बनाते हैं, और इंसुलिन सस्ता भी हो गया, पहले तो लोग गरीब लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे और लोग मर जाते थे, पर जब से अपन ये एंजाइम से काटा और अपने बैक्टीरिया में डाला तब से सब चीजें सस्ती हो गई हैं। तो ये सब अपना बायोटेक्नोलॉजी का कमाल है, रिकॉम्बिनेट बायोटेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेट डीएनए टेक्नोलॉजी का कमाल है। हम लोग ने डीएनए को ना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा था, तो समझो ये आपका डीएनए है, अब इसको अपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा, खाली इतना टुकड़ा कटा, राइट, इतना डीएनए अपने को चाहिए नहीं, खाली अपने को इतना ही चाहिए, अपने को खाली इतना ही डीएनए चाहिए, इतना सारा नहीं चाहिए, राइट, पर हम लोग तो इतने छोटे हैं नहीं कि जाएंगे, अरे ये अपना डीएनए नहीं है, ये वाला चाहिए, अपन जाके निकालेंगे ना छुरी से, नहीं इतना काम अपन नहीं कर सकते, तो छोटा काम अपन नहीं कर सकते अपनी आंखों से, अपने हाथों से, राइट, तो हम लोग एक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जिससे अपन को अपने काम वाला डीएनए, जो अपने काम का जो टुकड़ा है जिसको बोले डिजायर फ्रेगमेंट, जिसकी चाहत है हमें, जिस जीन की चाहत है हमें वही चाहिए, और जो नहीं चाहिए अनडिजायर है उसको अलग कैसे करें, हम उस अलग कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेस से। अपन डीएनए तो काट लिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, काट के अपनी मर्जी का अपन ने मिल के अपने को यही चाहिए ये नहीं चाहिए, पर अलग कैसे करें, डीएनए कितना बड़ा है, 2 मीटर का एक डीएनए होता है, 23 डीएनए तो आपके पप्पा से आपको मिले, 20 डीएनए आपकी मम्मा से मिले, अब इतने सारे डीएनए को अलग कैसे करें अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट से, अपन करेंगे अलग इलेक्ट्रोफोरेसिस से। इलेक्ट्रोफोरेस में अपन कुछ ऐसा कुछ बक्सा लेते हैं, ऐसा नहीं दिखता, मेरे घर में ऐसा कुछ था पर ऐसा नहीं दिखता, कुछ कांच का रहता है, कांच टाइप का रहता है या प्लास्टिक का होगा, तो ऐसा ये रहता है ना, ऐसा बॉक्स होता है,
तो ये बॉक्स में ना यहाँ पे भी एक एक होल जैसा एक ऐसा छोटा बॉक्स होता है, और ये साइड भी एक छोटा बॉक्स होता है। तो समझो ये बीच का बॉक्स है, ये बीच का बॉक्स है, यहाँ पे भी एक छोटा बॉक्स होता है, यहाँ पे भी एक छोटा बॉक्स होता है, राइट। जैसे दो बॉक्स और होते हैं आगे की तरफ, और ये सब बॉक्स जुड़े होते हैं, और इनके अंदर एक पानी भर दिया जाता है। क्या भर दिया जाता है? पानी भर दिया जाता है, जिसके अंदर सॉल्ट होते हैं, दुनिया भर के सोल्यूशन होते हैं, और उसको बोलते हैं बफर। क्या बोलते हैं? बफर। अब ये जो बीच वाला बॉक्स है ना, जो आपका है, वैसे एक बॉक्स होता है हकीकत के अंदर, उसमें ना अपन एक और एक बॉक्स डालते हैं, और उसके अंदर अपन एक जेल भरते हैं, जिसको बोलते हैं अगारोस जेल। क्या बोलते हैं? अगारोस जेल। तो अगारोस क्या है? पानी लेने का, पानी। उस पानी में एक अगार डालने का। अगार क्या? अगार एक शक्कर है, जो आप उनको एक अलगी से मिलता है। अलगी एक पेड़ पौधा होता है जो समुंदर के अंदर होता है। उस समुंदर के अलगी को मारने का अच्छे से, उससे अगार ले लेने का। फिर वो अगार क्या होता है ना, पानी को जली बना देता है, पानी को कड़क कर देता है। जैसे मोमबत्ती होती है, मोमबत्ती गर्म करो तो पानी जैसी हो जाती है, पर सूख जाती है तो कड़क हो जाती है ना, वैसे ये पानी को कड़क करने का अगार काम करता है। तो आप उन सूप पीते, सूप सूप पिया होगा ना, सूप कड़क कैसे करते हैं? अगार से कड़क कर सकते हो। मैदे से भी करते लोग सस्ते, पर अगार से, चाइनीज वाले लोग से अगार से कड़क करते, वो टेस्ट नहीं आता। तो समझो एक ऐसा छोटा सा बक्सा लो, उसके अंदर पानी भर दो, गरम गरम अगार डाल दो। जैसे पानी ठंडा होगा वैसा वो पानी जम जाएगा, फिर वो अगार निकाल लो, ठीक है। वो अगार निकालने के बाद अपन एक और एक बॉक्स में डालेंगे, और उसके आगे भी एक बॉक्स होगा, पीछे भी एक बॉक्स होगा, उसके अंदर अगार का प्लेट डाले, अगार डालेंगे। वो अगार डालने के बाद पूरा पानी से भर देंगे, बफर से भर देंगे। पानी में दुनिया भर की चीज़ें होंगी तो उसे बोलते हैं बफर। अब जब अपन अगार बना रहे थे ना, तब अपन उस अगार के अंदर एक एक जैसे कंघी होती है ना, वैसे कंघी डाल देंगे, तो जिसकी वजह से उस अगार में खड्डे हो जाएंगे। इमेजिन करो आपकी शादी हो गई है ना, आपकी शादी हो गई, तो आपकी लड़कियों का समझो कोई लड़का था जिससे जिससे शादी हुई, बहुत नालायक था, वो बहुत गुस्सा आया, तो क्या करने का ना, उसके गर्म पानी में अगार डाल देने का। जब वो लड़का नहाएगा, निकलेगा ना अगार से, तो उसकी पूरी बॉडी में जम जाएगा अगार। तो जब वो अगार निकालने की कोशिश करेगा, उसके बाल पूरे निकलेंगे, उसको बहुत दर्द होगा। तो ऐसे लड़कियां बदला ले सकती है अपने हस्बैंड से। तो वैसे ही पानी में अगार कड़क करने का ना, अगार डालोगे तो पानी कड़क हो जाएगा। तो आपने बीच में एक पानी डाले, उसमें अगार डाले और उसको कड़क कर दिया, उसको बीच में बिठा दिया। दो तीन ट्रे थी, तीन बक्से थे, बीच वाले बक्से, बड़े वाले बक्से में अगार डाल दिया, पर उसमें आपने कंघी भी डाल दी थी। जब वो ठंडा नहीं हुआ था, जमा नहीं था, उससे पहले कंघी डाल दी थी, जिसके से होल हो गया। जैसे चार होल हो गए, इमेजिन करो बीच में अगार है जिसमें चार होल है, आगे एक बक्सा है, बीच बाद में एक बक्सा है जिसके अंदर पानी भरा है, और बीच में अगार में भी पानी आ चुका है। पानी नहीं, बफर आ गए। बफर क्या है? पानी है, दुनिया भर के सॉल्ट्स हैं, जो पीएच मेंटेन करते हैं। बफर क्या है? जो पीएच मेंटेन करता है। तो इधर भी बफर भर दिया, उधर भी बफर भर दिया, बीच में भी बफर हो गया। अभी अगार जो है ना, अगार इसके अंदर बहुत सारे होल होते हैं, उस होल के अंदर भी बफर घुस गया। बफर एक लिक्विड होता है, पानी जैसा होता है, जिसके अंदर दुनिया भर के सॉल्ट होते हैं, जिससे पीएच मेंटेन होता है, जिससे पीएच मेंटेन होता है। अभी अपन क्या करेंगे ना, कि आगे वाला बक्सा है और पीछे वाला बक्सा है ना, इसमें अपन इलेक्ट्रोड डालेंगे। क्या डालेंगे? इलेक्ट्रोड। क्या डालेंगे? इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड के करंट जैसा कुछ होता है। तो ये जो क्या बोलते हैं, आपने कटायन पढ़ा है? कटायन, कटायन एक ऐसे एटम होते हैं जो होते हैं पॉजिटिव चार्ज। अभी कैसे याद रखने का? तो कटायन, सी फॉर कटायन, तो कटायन में टी आता है, टी को ऐसे कर दो तो पॉजिटिव हो जाता है ना। तो कटायन पॉजिटिव चार्ज होता है और एन आयन नेगेटिव चार्ज होता है। अभी आप ही याद रख लो कि सी फॉर कटायन, टी आता है, टी टीचर, टी ऐसा कुछ होता है ना, ऐसा कुछ आप ऐसा कर दे तो प्लस हो जाता है। तो कटायन पॉजिटिव चार्ज है और एनायन नेगेटिव चार्ज है। अभी कैथोड क्या होता है? कैथोड कैटायन का उल्टा होता है। तो कटायन पॉजिटिव चार्ज है तो कैथोड नेगेटिव चार्ज होगा। एनायन पॉजिटिव चार्ज, सॉरी एनायन नेगेटिव चार्ज था, तो एनायन का उल्टा क्या होता है? एनोड। तो एनोड हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो एनायन नेगेटिव, एनोड पॉजिटिव चार्ज। कैटायन, टी आता था, टी पॉजिटिव चार्ज था, कैटायन का उल्टा कर दो, कैटोड नेगेटिव हो जाता है, नेगेटिव चार्ज है। तो अपन ये जो बॉक्स है ना, एक इधर कैटोड रखेंगे जो नेगेटिव चार्ज है, और इधर एनोड रखेंगे जो पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज है। अभी अपन ने जो डीएनए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा था ना, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में जो खड्डे ना, इसमें अपन अपना मर्जी का डीएनए डाल देंगे। क्या डाल देंगे? डीएनए डाल देंगे। क्या डाल देंगे? डीएनए डाल देंगे। डीएनए, डीएनए डाल देंगे। अब ये डीएनए को डालने के बाद,
आप उन डीएनए में डीएनए डाल देंगे, इमेजिन करो ये अपना डीएनए आपने डाल दिया इसके अंदर। अब आपको पता है डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है। अभी क्यों नेगेटिव चार्ज होता है? डीएनए के अंदर शक्कर होती है और वो शक्कर है ना एक फुग्गा पकड़ी रहती है, पी फॉर फुग्गा, पी फॉर फॉस्फेट। तो फॉस्फेट की वजह से डीएनए नेगेटिव चार्ज होता है। तो एनोड कैथोड तो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव कभी पसंद करते लोग नहीं, नेगेटिव और पॉजिटिव प्यार करते हैं ना। तो वैसे ही नेगेटिव डीएनए नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव कैथोड है, तो डीएनए बोलेगा नहीं मुझे नेगेटिव के पास नहीं जाना, कि दोनों नेगेटिव नेगेटिव है ना। तो जैसे कि लड़की लड़की प्यार करते नहीं ना, लड़का लड़की ज़्यादातर प्यार करते हैं, तो वैसे ही नेगेटिव नेगेटिव दोनों अट्रैक्ट नहीं करेंगे दूसरे को। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, डीएनए बोलेगा अरे वाह पॉजिटिव चार्ज है, तो डीएनए भागने लगेंगे, डीएनए पॉजिटिव की तरह भागने लगेंगे। जब आप लाइट ऑन करोगे तो इस अगार में से भागेंगे, अगार के अंदर खड्डे होते हैं, इस खड्डे से डीएनए भागने लगेंगे। तो ये भागे ये भागे ये भागे, अभी क्या था अपने डीएनए ना रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा था, तो जो बड़े डीएनए थे वो पीछे रह जाएंगे और जो छोटे डीएनए रहेंगे वो आगे पहुंच जाएंगे। अभी कैसे? अभी देखो रेस, देखो रेस लगाओगे तो मोटा धीरे भागता है कि पतला धीरे फास्ट भागता है? मोटा धीरे ही भागता है ना, पतला तो फास्ट भागता है। ऐसे पतले लोग तो हवा से भी उड़ जाते हैं, मोटे लोग तो इतने रहते हैं, ये लोग धीरे धीरे भागते हैं। तो वैसे अगर जो डीएनए पतला होगा, मतलब जो डीएनए छोटा होगा वो तेज भागेगा, और जो डीएनए बहुत बड़ा मोटा होगा वो स्लो होगा ना। तो जब आप लाइट ऑन करते हो डीएनए भागने लगते हैं, तो जो डीएनए का टुकड़ा, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से आपने डीएनए का टुकड़ा छोटा सा टुकड़ा काटे थे ना, वो छोटा सा टुकड़ा आगे भाग जाएगा और जो बड़ा टुकड़ा रहेगा वो पीछे रह जाएगा। तो मोटे लोग पीछे रह जाएंगे ना, तो वैसे ही डीएनए का जो बड़ा टुकड़ा होता है वो रेस में पीछे रह जाएगा, और जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से अपनी मर्जी वाला, जो अपना मर्जी वाला डीएनए का टुकड़ा था जो अपने को चाहिए था, वो आगे भाग जाएगा। है ये आगे भागे वाले डीएनए को ना अभी आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते डीएनए को, तो अपने को एक कलर डालनी पड़ेगी जिसको बोलते हैं इथीडियम ब्रोमाइड। वो इथीडियम ब्रोमाइड ऑरेंज रंग की होती है, तो आप इसके ऊपर एक रंग डाल देंगे जिसको बोलते हैं इथीडियम ब्रोमाइड, जिसकी वजह से ये ऑरेंज ऑरेंज हो जाएगा, ये ऑरेंज ऑरेंज हो जाएगा। और फिर ये ऑरेंज ऑरेंज जो चीज़ है ना, आप उन इसको यूवी लाइट में देखेंगे। यूवी लाइट जो होती है ना, एक खतरनाक लाइट होती है जिसके पास आपको नहीं घूमने का है, अगर आप जाओगे तो आपको कैंसर हो जाएगा। तो आप उन इसके ऊपर यूवी लाइट डालेंगे, और फिर जब यूवी लाइट में देखेंगे तो ऑरेंज ऑरेंज चमकेगा, तो जो सबसे छोटा छोटा चमकेगा ना आप उन उसको लेंगे, आप उन इसके टुकड़े कर लेंगे और काट के ये अगार निकाल लेंगे। और जब ये अगार निकल जाएगा ना काट के, फिर अपन इसको ना एल्यूशन करेंगे। एल्यूशन मतलब इससे अपन डीएनए निकालेंगे, इस टुकड़े को निकाले ना अगार के, उसको बोलते हैं एल्यूशन। और फिर ये जो अपना छोटा छोटा डीएनए था ना जिसको अपन को चाहिए था है ना, वो डीएनए का अपन इस एल्यूशन को अपन निकाल के, फिर ये डीएनए निकल जाएगा, फिर अपन दूसरे बैक्टीरिया में डालेंगे ये डीएनए। तो बड़े डीएनए को छोटे डीएनए से कैसे फर्क करेंगे? इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। डीएनए एक मॉलिक्यूल है जो करंट में भाग रहा है, इधर करंट लगाया ना अपन ने, करंट में भाग रहा है ना, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो बड़े टुकड़े को अपन छोटे टुकड़े से अलग कैसे करते हैं? इलेक्ट्रोफोरेसिस। डीएनए को करंट में भगाते हैं तो मोटा डीएनए पीछे रह जाता है, छोटा डीएनए आगे रह जाता है। छोटा डीएनए कैसे बना था? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से अपन ने काट के बनाया था, और फिर ये डीएनए जो अपनी इंटरेस्ट वाला डीएनए अपन दूसरे बैक्टीरिया में डाल देंगे, फिर वो बैक्टीरिया अपने को केमिकल बना के देगा।